रिडाई बीएनएम प्रॉपर्टी एक्सपो का तीसरा दिन ट्रेमेंडस रिस्पांस, हजारों आगंतुक और हजारों विजिटर्स ने इस बार इस तीसरे दिन के प्रॉपर्टी एक्सपो को देखा है। सबसे बड़ी बात है ये कि इस पूरे प्रॉपर्टी एक्सपो में ईवी होम्स ने जिस तरह से शुरुआत की थी घरों की बुकिंग की, वो आज तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। आज तक 15 से ज़्यादा लोगों ने घर बुकिंग किया, 27 से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म किया है कि वो घर यहाँ से लेना चाहते हैं। और इसके पीछे का बड़ा जो कारण यही है कि जो ईवी होम्स के गुडविल है, उसका क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस है और उनके अलग अलग सेगमेंट में जो मौजूद या पेशकश किए गए जो प्रोजेक्ट हैं वो आकर्षित कर रहे हैं होम बायर को। एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग और वासी जैसे सिटी में लग्जरी सेगमेंट और उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के प्रॉपर्टी, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और आज अभी अभी जो बुकिंग हुई है वो तीसरे दिन की बुकिंग ये कंफर्म करती है कि ग्राहकों के लिए ईवी होम्स जो है वो पहली पसंद क्यों बन रहा है। हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे, ईवी होम्स के जो डायरेक्टर हैं वीके थॉमस जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का रिस्पांस कैसा रहा उनकी नज़र में, और जो होम बायर्स हैं, होम सीकर हैं, उन्होंने क्यों, किस पॉइंट को ध्यान रखते हुए ईवी होम्स के घरों की बुकिंग की है। सो एक तो वाशी लोकेशन है ईवी होम्स का और हमें यहीं पर रहते हैं, तो वी नो हर कंस्ट्रक्शन, तो उनका कंस्ट्रक्शन देख ही रहे हैं हम लोग, चल रहा है काफ़ी अच्छे तरह से, तो इसीलिए हमने लिया हुआ है। एमिनिटीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं उनके एंड वे द पीपल आर वर्किंग, सो उनका जो बोलचीत बातचीत है अपने क्लाइंट्स के साथ वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें, कुछ भी डाउट्स है तो सारे क्लियर कर रहे हैं, तो वो तरफ से हमें काफ़ी पसंद आया। वो बोलते हैं ना, कभी कभी सही जगह पे सही वक्त पे जो मौजूद है उसको सही काम हो जाता है उसका। तो हमने जो पोजीशनिंग ली है इस बार, टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया है, जो रीच हुआ है लोगों के पास, और हमने जितने प्रपोजल्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, जो प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए हैं, और रीडेवलपमेंट में 10 साल के पहले से हमने फोकस करके रीडेवलपमेंट में चालू किया, तो वो जो एक एक्सपीरियंस का भी आज उसका हमको फल मिल रहा है। आज हमारे स्टॉल में इनफैक्ट रिबन कट करने के हाफ एन आवर में फर्स्ट बुकिंग हमारे यहाँ पे हुआ। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि पनवेल में रहने वाले फैमिली, वो उनकी जीडीपी, उनकी पनवेल, उनकी जो पर कैपिटा इनकम और उनके जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ स्टोरी का एक परिणाम है कि उन्होंने वाशी में 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया। पनवेल में रहने वाले फैमिली ने वाशी में 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया। फिर आज 3 फैमिलीज जो बाइकला, माहिम, बांड्रा ये जगह से आके उन्होंने उनके सरप्लस जीडीपी, सरप्लस जो अमाउंट है वो उन्होंने पार्क किया अफोर्डेबल हाउसिंग में जो एयरपोर्ट के नज़दीक आ रहा है पुष्पक नगर एरिया में। सो हर तरीके का एक वेरिएंट हमको देखने मिला है, हर तरीके का एक ग्रोथ हमको देखने मिला है कि लोगों को हर तरीके से उनको इन्वेस्ट करना है नई मुंबई में, बल इन्फ्लक्स हो रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी नई मुंबई का अपॉर्चुनिटी इस नई मुंबई के लोगों को सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए हमने ये जो रीच करने के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया है एंड सक्सेसफुली हमको ये करने को मिला। हमको वी वर एबल टू क्लोज मोर देन 15 डील्स, 27 करोड़ क्रॉस किया हमने। इट इज़ द थर्ड डे, एक और दिन बचा है, जो भी सीरियस कस्टमर्स कल आने वाले हैं, क्योंकि सब लोग पूरा देख के फैमिली से डिस्कस करके लास्ट डे को वो लोग आते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का लास्ट डे जो रहता है कल रहता है। तो मैं आपको ये भी बोलता हूँ, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग भी है हमारे पास, आपको एक अफोर्डेबल हाउसिंग, सही मायने में अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होता है, सिटी के नज़दीक में अफोर्डेबल हाउसिंग। तो हमने सिटी के नज़दीक, आपको करजत कोपोली तक जाने का जरूरत नहीं है, सिटी के नज़दीक मतलब पुष्पक नगर के नज़दीक में आपको जो नया सिटी बन रहा है उस वहीं पर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल रहा है, एंड प्लस आपको सिटी के अंदर रीडेवलपमेंट में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जहाँ पे सिटी के बीच में जो ऑलरेडी जो बना हुआ था उसको तोड़ के हम बना रहे थे, वहाँ पे सारे एमिनिटीज़ के साथ में और सारे फैसिलिटीज़ जो एक मॉडर्न बिल्डिंग में होनी चाहिए, आधुनिक बिल्डिंग में होनी चाहिए, वैसे बना रहे हैं हम लोग। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने डिलीवरी दिया है। अभी क्या आप देखेंगे तो लोगों को एक और डर रहता है कि मेरा फ्लैट में बुक कर रहा हूँ, तो ये फियर फैक्टर रहता है कि बुकिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे इसमें दो चीज़ है कि एक तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने डिलीवरी दिया है टाइम पे, हमारा सारे प्रोजेक्ट्स ओसी के साथ हैं, और हम जो अभी भी जो काम कर रहे हैं वो भी हमारा ऑन ट्रैक, इनफैक्ट बिफोर शेड्यूल हमारा डिलीवरी टाइम है।
वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ जो हम करते हैं फाइनेंशियल क्लोजर बोलते हैं उसको, कोई भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग फाइनेंशियली क्लोज करते हैं, मतलब वो प्रोजेक्ट को जो जितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है उतने का तीन पार्ट में डिवाइड करके, एक्विटी, डेवलपर्स एक्विटी, बैंकर्स फंडिंग एंड सेल्स, ये हमारा सेल्स का पहले टारगेट बन जाता है। 25% 30% सेल करना है, 50% 60% हम जो बैंक फंडिंग है और बचा हुआ 20-30% हम डालते हैं, तो उस तरीके से हम एक फाइनेंशियल क्लोजर करके बाजू में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो क्लाइंट है हमारे, सोसाइटी है, उनके मेंबर्स वो हमारे क्लाइंट है, कस्टमर हमारे क्लाइंट है, तो कस्टमर्स का तो रेरा देखभाल कर दिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट जो मिला है सोसाइटी से मिला है तो सोसाइटी को भी संभालना हमारा काम है। तो हम लोग ये सिस्टम से हम काम करते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारा बिना फाइनेंशियल क्लोजर से नहीं है, तो उसी के तरीके उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो अभी आप लोग आइए, लास्ट दिन है, मौका है, चौका मारिए। लोगों को अपील करना चाहूँगा, आप लिए मत लीजिए, यहाँ पे एक मेला चालू है, आप ये मेले को विटनेस करने के लिए आ जाइए, एंड भले आज नहीं तो कल आपको जब रिक्वायरमेंट आएगी तो EVOMS आपके लिए खड़ा है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।